अक्सर आपने सुना होगा कि डेयरी सेक्टर में अच्छी कमाई है और ये बात सभी जानते हैं। इस सेक्टर में अच्छी कमाई है लेकिन आपको इसमें काफ़ी मेहनत करनी होती है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप आसानी से डेयरी सेक्टर में पैसे निवेश कर सकते हैं और आपको अच्छा मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस सेक्टर में बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सरकार भी काफ़ी मदद करती है। ऐसे में आपको ज़्यादा निवेश भी नहीं करना होगा। दूध प्रोडक्ट का बिजनेस। इस बिजनेस में आपको गाय या भैंस की आवश्यकता होती है। इसमें मेन काम मिल्क प्रोडक्शन का होता है। अगर सीधी भाषा में समझें तो आपको गाय भैंस खरीद कर दूध बेचने का काम शुरू करना पड़ता है। आप इससे सिर्फ दूध भी बेच सकते हैं और इसके अलावा दूध प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में उन्नत तरीके को इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से अच्छी कमाई कर सकते हैं। दूध कलेक्शन सेंटर। कलेक्शन सेंटर का काम होता है कि वो हर गांव से दूध इकट्ठा करते हैं और फिर इसे प्लांट तक भेजते हैं। कई कलेक्शन सेंटर खुद पशुपालकों से दूध कलेक्ट करते हैं, जबकि कई जगह लोग खुद कलेक्शन सेंटर पर दूध देने आते हैं। ऐसे में आप गांव वालों से दूध खरीदते हैं और उसे शहर में बेच देते हैं। कलेक्शन सेंटर का काम होता है कि वो दूध के फैट को जांच कर इसे अलग अलग कंटेनर में स्टोर करता है और फिर इसे दूध कंपनी को भेजता है। दरअसल दूध में मौजूद फैट और SNF के आधार पर इसका दाम तय होता है। कोऑपरेटिव दूध के जो दाम तय करती है वो 6.5% फैट और 9.5% SNF का होता है। BMC खोलकर कमाए पैसे। BMC का फुल फॉर्म है बल्क मिल्क कूलर और इसका एक प्लांट लगाया जाता है। दरअसल एक सेंटर होता है जहां किसी ग्रामीण इलाके में एक प्लांट लगाया जाता है और पशुपालक यहां दूध देकर जाते हैं। इस प्लांट में मशीनों के जरिए दूध को खराब होने से बचाया जाता है। इसके बाद इसे डेयरी या बेचने के लिए भेजा जाता है। इसके लिए अलग से मशीनें आती हैं और इन मशीनों के जरिए दूध को ठंडा करती हैं। इस मशीन के लिए सरकार से पैसे मिलते हैं और सरकार की मदद से BMC खोल लेते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छी कमाई होती है। डेयरी के लिए मिलता है लोन। केंद्र सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अलावा राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर इसके विकास के कार्यक्रम चला रही हैं, जिनमें 25 से लेकर 90% तक की सब्सिडी है। केंद्र सरकार नाबार्ड के जरिए पशुपालन के लिए मदद देती है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत एक पशु पर 17,750 रुपए की सब्सिडी मिलती है। मिल्क प्रोडक्ट बनाने की मशीन के लिए भी पैसा मिलता है। हालांकि इसके जरिए आप गाय भैंस खरीद कर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।